हाई एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल एंड वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं दो दिन का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ, ईद एंड ईद के सेकेंड डे का। सो आज ईद का फर्स्ट डे है और मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पे मैंने दोनों को शावर दिलवा दिया है और मैं जीनिया को मेहंदी लगा रही हूँ सुबह इस टाइम पे, क्योंकि रात को मेरा प्लान था मेरी फ्रेंड्स के साथ मेहंदी नाइट का, तो वहाँ से मैं काफ़ी लेट आई थी और बस सिंपल सा डिज़ाइन बना रही हूँ। मैं कोई इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ और जैसे मैंने मेहंदी लगाई है, जीनिया ने उसी टाइम पे अपने हैंड वॉश कर लिए थे, तो बस बहुत लाइट सा मेहंदी का कलर आया था इसका। मेहंदी वगैरह लगाने के बाद मैंने इनको ब्रेकफास्ट करवा दिया था, क्योंकि मंसूर का प्लान था ईद नमाज के बाद अपने फ्रेंड्स के पास जाने का और वहाँ से ब्रेकफास्ट करके आना था उसने। तो बहुत सिंपल सा कैजुअल सा हमने ब्रेकफास्ट किया था ईद वाले दिन, और फिर बस मैंने इनको जल्दी से चेंज करवा दिया था, क्योंकि सुबह से जीनिया के फ्रेंड्स इससे मिलने के लिए या कुछ ना कुछ देने के लिए आ रहे थे। और दोनों का मैंने जो ड्रेस है सेम बनवाया था। लास्ट टाइम जब मैं पाकिस्तान गई थी तब मैंने स्टिच करवाया था, खुद स्टिच करवाया था, गले पे हल्का सा मैंने काम करवाया था और नीचे गले पे सॉरी बाजुओं पे और नीचे गरारे पे हल्की सी मैंने डोरी पाइपिंग लगवाई थी। और यहाँ पर मैं जीनिया के जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए गुडी बैग्स हम पैक कर रहे हैं। मुझे याद है बचपन में कितनी हमें ईद की खुशी होती थी, शायद ईदी की वजह से या गिफ्ट्स की वजह से, आई डोंट नो क्यों, लेकिन इन बच्चों को भी थोड़ी बहुत ईद की वाइब्स आनी चाहिए, ताकि जब ये लोग भी बड़े हों तो इनको याद रहे कि हम इस ईद ऐसे सेलिब्रेट करते थे। अच्छी अच्छी मेमोरीज़ होनी चाहिए इनके पास भी। और यहाँ पर इलियाना ने भी चेंज कर लिया था, अब ये लोग जा रही हैं ऊपर बिल्डिंग्स में अपने फ्रेंड्स के पास। और इलियाना को अपना ड्रेस इतना मज़े का लग रहा था, बार बार ईद के दूसरे तीसरे दिन भी जब भी मैं ओपन करती थी ड्रॉ, तो ये कहती थी यही ड्रेस इसने पहनना है, शायद इसको मोती वगैरह ट्रैक कर रहे थे। और बस ये अभी ऊपर जाएंगी और अपने फ्रेंड्स को जो है गुडी बैग्स दे के वापस आएंगी। वहाँ से वापस आने के बाद जो है मैंने खाना वगैरह बना दिया था, और क्योंकि वैसे भी निहारी का प्लान था, निहारी मैं बिल्कुल हल्की आँच पकाती हूँ, तो मैंने वो सुबह ही पकने के लिए रख दी थी। और साथ चिकन पुलाव का प्लान है, वो मैं रात को ही बनाऊँगी, मसाला वगैरह बना के रख दिया क्योंकि रात को हमारे घर कोई गेस्ट आने वाली हैं। खाना वगैरह खाकर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, ये तकरीबन 3:30-4 बजे का टाइम है, तब कहीं जाके मैं रेडी हुई थी। और इलियाना जो है वो सुबह से इन्हीं कपड़ों में घूम रही है, जीनिया को फिर मैंने चेंज करवा दिया था। और यहाँ पर हम लोग ट्राई करें कोई अच्छी सी फैमिली पिक्चर आ जाए, शायद एक या दो हमारे पास कोई पिक्चर होगी जो फैमिली पिक्चर होगी, वरना इलियाना के साथ पिक्चर लेना बहुत मुश्किल काम है, हर वक्त ये बच्ची जो है ना मूव होती रहती है। और बाहर का सीन ये था कि या तो हम किसी मॉल जा सकते थे या किसी पार्क में जा सकते थे, लेकिन मेरे जो दोनों बच्चे हैं ना उनको पानी में खेलना बहुत पसंद है, तो इन्होंने कहा कि बीच जाना है, तो बस हम लोग अभी बीच के लिए निकले हैं। मंसूर ने चेंज कर लिया था, बच्चियों को मैंने नहीं चेंज करवाया, मैंने सोचा था कि वहाँ पर जाके अच्छी अच्छी पिक्चर्स लेंगे, लेकिन पानी को देख के जो है ना इलियाना ने बहुत शोर मचाया हुआ था, तो बस मैंने इनको चेंज करवाया स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना के। इन्होंने ये लोग बीच चले गए थे, वहाँ पर हम लोग ने अच्छा सा टाइम स्पेंड किया, बच्चों ने खूब इंजॉय किया और फिर उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए थे। हाँ, मेरा ईद का ड्रेस जाते हुए मैं दिखा नहीं सकी, सिंपल गले पे हल्का सा काम हुआ है। मुझे ईद पे बहुत हैवी फैंसी ड्रेसेस नहीं पसंद, और जो है ये हल्की सी मैंने मेहंदी लगाई हुई थी। और अभी जो है मैं किचन में जाऊँगी, बस मेकअप वगैरह रिमूव करूँगी, क्योंकि हमने किसी को बुलाया हुआ है, वो आने वाली है, तो खाना वगैरह तो रेडी है। आज खाने का मेन्यू बहुत सिंपल सा था, निहारी बनाई थी और साथ चिकन पुलाव बनाया था मैंने। आज हमारे घर में गिलगित से एक बहुत ही प्यारी गेस्ट आने वाली है, मैं भी फर्स्ट टाइम मिलने वाली थी आज इनसे। ये कतर में होती हैं, वहाँ पे जॉब करती हैं, और ईद की छुट्टियों में ओमान घूमने के लिए आई थी, तो हमने इन्हें डिनर पर बुलाया था। खैर खूब हम लोगों ने गप्पे शप्पे लगाई और उसके बाद हम रात को उनको जहाँ पे रुकी हुई थी अपने फ्रेंड्स के साथ आई थी, वहाँ पे हम उनको ड्रॉप करके आए थे। और बस ईद का जो फर्स्ट डे है वो फिर जो है इसी तरह एंड हुआ हमारा। ये ईद के सेकंड डे का क्लिप है। एक्चुअली जीनिया का बहुत मूड था कि वो अपने फ्रेंड्स को घर पे बुलाए, सो हमने प्लान किया कि हम बच्चों की ईद मिलन पार्टी रखते हैं। बहुत ही अचानक से प्लान बना था, मेरे पास बहुत कम टाइम था चीज़ें रेडी करने के लिए, सो बहुत ही सिंपल सी जल्दी जल्दी बनने वाली मैं चीज़ें रेडी करूँगी बच्चों के लिए। वाओ, वाओ,
सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ मैक्रोनी, क्योंकि मुझे लगता है कि सारे बच्चे मैक्रोनी बहुत शौक से खाते हैं। वेजिटेबल्स नहीं ऐड करी, सिंपल चिकन मैक्रोनी बनाऊंगी, जिसके लिए पहले मैंने प्याज और लहसुन को बिल्कुल बारीक कट किया था, और जब हल्के से ट्रांसपेरेंट हो गए थे तो उसमें मैंने डाल दिया था टमेटो पेस्ट। उसके बाद अच्छी सी भराई करने के बाद मैंने उसमें चिकन जो बोनलेस है वो मैंने डाल दिया था, बिल्कुल छोटा छोटा कट किया हुआ चिकन। और अब मैं उसको अच्छे से पकाऊंगी, और उसके बाद जो है जितने भी स्पाइसेस होते हैं, चिली सॉस, सोया सॉस, चाइनीज सॉल्ट, सिरका, ब्लैक पेपर, ये सब डाल के अच्छे से मैं इनकी भुनाई करूंगी। और फिर उसके बाद जो बॉयल मैक्रोनी है वो मैं डाल दूँगी, और बस थोड़ी देर के लिए इसको मैं दम पर छोड़ दूँगी। उसके अलावा बहुत ही सिंपल सा चिकन ब्रोस्ट बनाने का प्लान है, सो मैं अभी से उसको मैरिनेट करके रखने वाली हूँ। जिसके लिए सबसे पहले मैंने दही ली, उसके अंदर हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, चिकन मसाला और 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था, और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाले थे। थोड़े से चिली फ्लेक्स लेने थे, जिसके चक्कर में सारे चिली फ्लेक्स जो हैं वो नीचे गिर गए। चिकन को मैंने किसी भी फॉर्म में बनाना हो, अगर मैंने उसको डीप फ्राई करना है तो मैं हमेशा उसके अंदर बड़े बड़े अच्छे अच्छे कट लगाती हूँ, ताकि अच्छे से अंदर से फ्राई हो। और उसके बाद बस मैं इनको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। अब मैं बहुत ही सिंपल से क्रीम चीज़ के सैंडविचेस बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने क्रीम चीज़ ली है। उसमें शेड किया हुआ बॉयल चिकन डाल दूँगी, जिसको थोड़ा सा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डाल के मैंने बॉयल किया था। और उसके बाद जो ब्रेड लूँगी, ब्रेड बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, क्योंकि हमने इस ब्रेड को टोस्ट वगैरह नहीं करना है, तो बिल्कुल फ्रेश ब्रेड हो ताकि सॉफ्ट हो, तभी हमारे सैंडविचेस मज़े के बनेंगे। और जो इसके कॉर्नर्स हैं वो कट कर दूँगी, और क्रीम चीज़ का जो बैटर रेडी किया है वो बस इस पर लगा दूँगी, क्योंकि मैं वैसे भी बच्चों को सेपरेट बुला रही थी, तो इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें रखी हैं, कुछ फैंसी इसमें नहीं डाला, वेजिटेबल्स या कॉर्नस या मशरूम्स या कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मदर्स हों तो वो भी ज़बरदस्ती बच्चों को कुछ ना कुछ खिला लेती हैं, अकेले बच्चे कुछ नहीं खाते हैं, तो इसलिए बिल्कुल सिंपल सिंपल मेन्यू रखा है ताकि बच्चे आराम से खा लें। यहाँ पर मैं पोटैटो वेजेस बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने पहले पोटैटोज़ को पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डाल के बॉयल कर दिया था 80% तक, और फिर बस इनको अब मैं डीप फ्राई करूँगी। अब मैं यहाँ पे जेली की बहुत ही सिंपल सी पुडिंग बनाने वाली हूँ। नॉर्मली बच्चे जेली शौक से खाते हैं, तो मैंने सोचा जेली की एक पुडिंग बनाते हैं। तो मैंने जेली को पका के इसको फ्रिज में रख दिया ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद मैं मैंगोज़ को बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के क्यूब्स में कट कर रही हूँ। इसके बाद मैंने 2 पैकेट्स लिए क्रीम के, और इसमें 1/2 टेबल स्पून के करीब शुगर ऐड कर दूंगी, और अच्छे से इस क्रीम को मिक्स करूंगी, और उसके बाद इसमें मैंगो डालकर फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये बहुत अच्छे से चिल हो जाए। हमें फ्रीज़ नहीं करना, फ्रीज़ से जो पहले की स्टेज होती है प्रॉपर वाला चिल, हमें ऐसी ये क्रीम चाहिए। फ्रिज में जो मैंने जेली रखी थी वो अब मैं ले आई हूँ, बहुत अच्छे से सेट नहीं हुई थी अभी भी, थोड़ी सी सॉफ्ट थी, जिसकी वजह से इसके जो क्यूब्स थे वो बिल्कुल सेपरेट सेपरेट कट नहीं हुए थे। खैर, जेली को मैं यहाँ पे स्मॉल क्यूब्स में कट कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैं पुडिंग की असेंबलिंग कर रही हूँ। जो पहली लेयर है वो जेली की मैं डाल रही हूँ, सेकंड लेयर मैंगो और क्रीम का जो मिक्सचर रेडी किया था वो मैं यहाँ पे डालूँगी, और जो थर्ड लेयर है वो दोबारा से जेली ऐड करूँगी। अगर जेली जो है वो प्रॉपर सेट हो और बिल्कुल स्मॉल स्मॉल क्यूब्स में हो तो बहुत ही प्यारी लगती हैं ये, और बस ये फिर उसके बाद इसको मैं दोबारा से फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये दोबारा से अच्छे से सेट हो जाए, और फिर बस सर्व करने से पहले फ्रिज से निकाल के ठंडा ठंडा जो है बच्चों को सर्व करूँगी। Thank you.
खैर चीज़ें वगैरह मैंने सर्व कर दी थी, बच्चों ने तो खूब इंजॉय किया, खूब गेम्स खेली, लेकिन मैं सर्विंग के वक्त एक तो मैक्रोनी बच्चों को देना भूल गई और मैंने नगेट्स वगैरह और डिफरेंट फ्राइड आइटम्स मैंने मंगवा के रखे हुए थे कि मैं फ्राई करूँगी और मैं उन सबको फ्राई करना भूल गई। खैर बस पिज़्ज़ा था और ये बस थोड़ी बहुत चीज़ें थी, बच्चों ने वही खाई और मुझे एंड टाइम तक पता नहीं क्या हुआ, एंड टाइम तक मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि मैंने मैक्रोनी बच्चों को देनी है। रात को जब मैं बर्तन धो रही थी तब मुझे याद आया कि यार मैंने तो मैक्रोनी दी नहीं बच्चों को। खैर बस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पिज़्ज़ा, लेकिन आप थोड़ा सा पिज़्ज़ा खाओगे? टेस्ट करो यार। अच्छा अब अभी से आप क्या क्या कर रहे हैं?